जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के ऊपर हुए आतंकी हमले की जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली है उसका नाम कश्मीर टाइगर्स है। उसने बकायदा लेटर जारी कर सेना पर हमले की जिम्मेदारी ली है और चेतावनी भी दी है कि आगे इससे बड़े हमले की तैयारी जारी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये अब कश्मीर टाइगर्स नाम का आतंकी संगठन कौन चला रहा है, इसकी मदद कौन कर रहा है, कितने आधुनिक हथियार इसके पास कहां से आ रहे हैं, क्या इस संगठन का सरगना कोई कश्मीरी नागरिक ही है या कश्मीर नाम की आड़ में कोई पाकिस्तानी आतंकी संगठन के हाथ में इसकी कमान है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश और लश्कर का ही हाथ है तो फिर नाम बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या नाम बदलने के पीछे कोई बड़ी साजिश है। इस वीडियो में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे नाम बदलने की कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कठुआ में सेना के ऊपर आतंकियों की तरफ से हमला कैसे किया गया जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 5 गंभीर रूप से जख्मी हैं। आठ नौ बंदे थे, अंदरे अंदरे हम अंदरे दुकान पे बैठे रहे। ये फायर तकरीबन 3:20 से शुरू हुआ तो 6 बजे तक चलता रहा। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। 8 जुलाई दोपहर 3:10 पर सेना का एक काफिला पुलवामा के दूर दराज इलाके में पेट्रोलिंग के लिए निकला था। काफिला जैसे ही पुलवामा के बदनोट गांव में एक नाले पर बने पुल पर पहुंचा तभी सेना की एक गाड़ी पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। ग्रेनेड के हमले से गाड़ी में भयानक विस्फोट हुआ और सेना के 5 जवान शहीद हो गए जबकि 5 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद आधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों ने सेना की दूसरी गाड़ी पर गोलीबारी शुरू कर दी। सेना के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की लेकिन तब तक आतंकवादी पास के जंगलों में भाग गए। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एक रक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि यह हमला बड़ी सूझबूझ से किया गया है। आतंकियों की महीनों की प्लानिंग और रेकी के बाद किया गया ये हमला है, यानी आतंकियों ने पूरे प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया है। जानकारों का मानना है कि सेना पर जिस तरीके से दोनों तरफ से हमला किया गया ये आतंकियों की महीनों की मेहनत और उसके पीछे साजिश है। इसमें स्थानीयता का विशेष हाथ है, या तो हमला करने वालों में स्थानीय शामिल थे या आतंकियों की मदद करने में, क्योंकि इन दूर दराज इलाकों के रास्तों के बारे में स्थानीय लोगों को ही अच्छे से पता होता है। आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को, सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा, व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई छठी का दूध याद आ जाए, और हमारी फौज कर सकती है बशर्ते कि आप उसको बोले कि नहीं सिर्फ राइफल से लड़ोगे, भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे वो रिपब्लिक डे परेड के लिए। मेरा विश्वास है कि अगर सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ, वो दिखाएगी आपको वो क्या कर सकती है, दिखाएगी आपको वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार क्या कर सकती है। ये अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुआ है, दिस इज अ क्वालिटेटिव एस्केलेशन। दरअसल बदनोट गांव में जहां सेना पर हमला किया गया वो कठुआ शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर माचेडी और लोहाई मल्हार के बीच में आता है। सुरक्षा बलों का माचेडी में पहले से ही एक बेस था क्योंकि यह इलाका 90 के दशक के मध्य से 2000 के दशक की शुरुआत तक आतंकवाद का गढ़ था। कठुआ के एक तरफ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो दूसरी तरफ पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा है। ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर, डोडा और सांबा जिलों से भी सटा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि अब आसपास के जिलों से आतंकवादी गतिविधियों की खबरें आने के बाद सेना उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके से सटे लोहाई मल्हार के ऊंचे इलाकों की ओर बढ़ रही है। कठुआ में पिछले महीने भी मुठभेड़ हुई थी जब सुरक्षा बलों ने 11-12 जून को हीरानगर तहसील के सैदा गांव में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया था। 11-12 जून की रात को ही डोडा जिले में भी पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त नाके पर भी हमला किया गया जिसमें 5 जवान और 1 एसपीओ घायल हो गए थे। हालांकि हमले में कथित रूप से शामिल 3 आतंकवादियों को बाद में 26 जून को पुलिस और सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। कुछ ऐसे ही 9 जून को भी हुआ था जहां रियासी जिले में तीर्थयात्रियों को लेकर कटरा जा रही एक बस पर हमला हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए थे।
इन सभी हमलों में किसी न किसी प्रकार से कश्मीर टाइगर्स की संलिप्तता पाई गई थी, जिसके बाद ये संगठन सेना और स्थानीय पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। लेकिन सवाल है कि ये कश्मीर टाइगर संगठन है क्या, इसे मदद कहां से मिल रही है, इसे चला कौन रहा है और इसके नाम के पीछे क्या साजिश है। दरअसल कश्मीर टाइगर्स का सबसे पहले नाम साल 2021 में सामने आया था, जब 13 दिसंबर 2021 को इस आतंकी संगठन ने पुलिस बस पर हमला कर दिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इसी हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स का नाम लिया था। हालांकि इससे पहले जून 2021 में ही इस संगठन ने दक्षिण कश्मीर में एक ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे जैश ए मोहम्मद का ही एक ग्रुप बताया था। सेना के अधिकारियों का कहना है कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में कई आतंकी संगठनों का जन्म हुआ है, जिसमें कश्मीर टाइगर्स, द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट शामिल हैं, जिन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और जैश मोहम्मद की जगह ली है। हालांकि इन नए आतंकी संगठनों की कमान उन्हीं के हाथ में है, लेकिन नाम बदल दिया गया है। इन आतंकी संगठनों के नाम बदलने के पीछे की साजिश पर सुरक्षा के जानकारों का कहना है कि आतंकवाद को धर्मनिरपेक्ष और स्वदेशी के रूप में चित्रित करने का एक प्रयास है, क्योंकि चूंकि लश्कर और जैश के नाम पाकिस्तान से जुड़े हैं और धार्मिक अर्थ रखते हैं, इसलिए उन्होंने नाम बदलने का फैसला किया है। नए संगठन ये धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि घाटी में आतंकवादियों की भारी मौजूदगी है, हमारे पास 3 या 4 बड़े समूह हैं जिनके अलग अलग मॉड्यूल हैं और उनके नाम अलग अलग हैं। जानकारों का कहना है कि स्थानीय नाम को जोड़कर आतंकी संगठन कश्मीरियों की भावना का इस्तेमाल कर उन्हें सेना के खिलाफ करने की साजिश में है। स्थानीय नाम से लोगों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, जिन्हें लगेगा कि वो उनके लिए काम कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि नाम बदलने की प्लानिंग अपने ही लोगों को सेना के खिलाफ करने की आतंकियों की एक साजिश है, जिसे समय रहते हल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में सेना और कश्मीरी दोनों के लिए नासूर बन जाएगी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।